और यहाँ पे देखते ही देखते पूरा का पूरा एनिंगल मैप पीछे चले जाता है, और ऑल चैट पे भी बंदे पूरा कंफ्यूज थे कि भाई यहाँ पे हमारे साथ हो क्या रहा है, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। इस पूरे के पूरे मैच का सर्वर यहाँ पे हैकर ने फ्रीज कर दिया था, और यहाँ पे हम लोग पूरा एनिंगल मैप के बाहर चले गए थे। अब इस गेम में आगे क्या हुआ था ये जानने के लिए वीडियो देखते रहना, वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही जिन लोगों ने मेरी पिछली स्ट्रीम देखी थी उनको पता होगा कि भाई मैं टॉप 12 कॉन्कर में पहुंच गया था, तो आज की इस वीडियो में टॉप 15 कॉन्कर लॉबी के एकदम इंटेंस क्लचेस तुम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही बहुत सारे हैकर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से कि बहुत सारे हैकर्स को तो तुम्हारे भाई ने बैन भी कराया है। और हाँ, एक चीज तो मैं तुम्हें बताने ही भूल गया, अभी तुम्हारे भाई को एक नया टाइटल मिला है और वो है इंडिया #4CloseEncounter का। वैसे टाइटल पिछले हफ्ते का है, अगर तुम अभी चेक करोगे तो तुम्हें मैं #3 पे दिख जाऊंगा, और तुम्हें पता ही है यार अगर हैकर्स लोग बैन हो जाएंगे तो #1 पे कौन रहेगा। तो भाई सबसे पहली फाइट अपनी होने वाली है पोचिंकी की, तो मैं यहाँ पे पोचिंकी पे था और यहाँ पे हमारे सामने थी पूरी की पूरी एक स्क्वाड। और भाई यहाँ पे पहले तो हम लोगों की थोड़ी बहुत नेड़ वेड़ से फाइट होती है, एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा एक टीममेट भाई ये लोग नॉक फिनिश कर देते हैं, और यहाँ पे बसती है 1v3 की सिचुएशन। और यार अगर ये क्लच पसंद आया ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे और भी तगड़ी तगड़ी फाइट्स होने वाली हैं। तो भाई मैं था याश नेम है, और यहाँ पे ना बंदे मेरे सारे टीममेट्स को मार देते हैं, बस एक टीममेट था और वो भी नॉक पड़ा हुआ था। अभी इस बंदे को मारते यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ, और जैसे ही मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ ना यहाँ पे एक और स्क्वाड रश कर देती है। और इसी के साथ इन बंदों को भी यहाँ पे खेल खत्म कर देते हैं। अभी सामने ब्रिज पे से एक गाड़ी आ रही थी, अभी शायद तुम लोगों ने यहाँ पे नोटिस ना किया हो, पर भाई यहाँ पे ना मैं पेड़ के पीछे आराम से बैठा हुआ था, पर भाई इन चारों बंदों को ना मेरी लोकेशन पता थी और ये लोग मेरे ऊपर वहां से फायरिंग करते हुए आ रहे थे। खैर उन चारों को तो गाड़ी से उतार देता हूँ, अभी जॉर्ज पुल में बंदे थे। अभी तीन बंदे तो मार दिए, अब बचा था इनका लास्ट बंदा। तो भाई मैं मिलता जा रहा था तभी मुझे रास्ते में पूरे के पूरे चार बंदे मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे तीन बंदे नॉक हो चुके थे, अब बचा था इनका लास्ट बंदा, और भाई ये बंदा देखना यहाँ पे हाई आईक्यू लगाने वाला है। अभी अपनी अगली फाइट होने वाली है याशनाय की, और भाई यहाँ पे याशनाय के अपार्टमेंट्स में ना भाई बंदों ने हम लोगों को गंदा घेर के रखा हुआ था, और ये चारों तरफ से हमारे ऊपर नेड कर रहे थे। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि पहले कोने वाले अपार्टमेंट में आके यहाँ से एक आध नॉक निकालने का ट्राई करेंगे। अभी सामने एक बंदा स्पॉट किया, मैं थोड़ा राइट जाता हूँ इस बंदे पे एंगल निकालने के लिए, पर तभी नीचे मेरे एक टीममेट को बंदे पकड़ लेते हैं, मैं जाता हूँ हेल्प करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे खुद फंस जाता हूँ, मेरा दूसरा टीममेट भी गया, जान बचाने के लिए पीछे भागता हूँ, तभी ये बंदे पीछा करते हुए यहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। अभी यहाँ पे तीन नॉक किए, फटाफट से गन रीलोड करता हूँ और घुस जाता हूँ लास्ट वाले बंदे पे। अब जैसे तैसे करके इन चारों को तो मैं मार देता हूँ, पर भाई मुझे डर इस बात का लग रहा था कि इतने बड़े जोन में सिर्फ और सिर्फ 8 बंदे लाइव हैं, और मुझे यहाँ पे शक हो रहा था कि भाई कोई ना कोई बंदा तो यहाँ पे हैक लगा के आया जिसने कि सारे बंदे निपटाए हैं, क्योंकि भाई कॉन्कर लॉबी में ना इतने कम बंदे नहीं बसते लास्ट जोन्स में। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि थोड़ा बहुत सेफ खेलेंगे और चिकन निकालने की कोशिश करेंगे, पर तभी मेरे ऊपर बंदे रश कर देते हैं। और भाई दूसरी बिल्डिंग पे जाता हूँ एंगल निकालने के लिए, पर इतने में पीछे से एक और टीम आ जाती है।
अब यहाँ पे एक बंदा नॉक किया तो मैं सोचता हूँ कि इन बंदों पे रश करेंगे, पर भाई डायरेक्टली नहीं घुस सकता था तो राइट से फ्लैंक मारने की सोचता हूँ। पर भाई ये बंदा यहाँ पे मुझे देख लेता है और मुझे 1 HP कर देता है, तो यहाँ पे फटाफट से हील करता हूँ और तभी ये बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। और पता नहीं कैसे इसको मेरी लोकेशन पता थी। अब यहाँ पे मैं लो हो गया था तो मैं पीछे भागता हूँ हील करने के लिए, पर भाई यहाँ पे देखना बंदा मेरे पे एग्जैक्ट मेरी लोकेशन पे रश करेगा। अब यहाँ पे मुझे इस बंदे पे थोड़ा शक होता है कि भाई ये एग्जैक्टली मेरे पे बार बार कैसे रश कर रहा था, मेरी लोकेशन इसको कैसे पता थी। तो मैं इसकी केडी देखता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा सस्पिशियसली बंदा लगता नहीं है, फिर भी मैं इस बंदे को रिपोर्ट कर देता हूँ। और जब मैं इस बंदे को रिपोर्ट करता हूँ, जैसे ही मैं लॉबी में जाऊँगा देखना यहाँ पे क्या होगा। अभी इस बंदे का नाम याद रखना, अलोन अक्षुल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास BGMI की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है और इसमें लिखा था अलोन अक्षुल नाम के जिस बंदे को मैंने रिपोर्ट किया है उसको BGMI ने 10 साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि उसने हैक्स लगाए थे। और भाई कॉन्कर लॉबी में ना ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि भाई मेरे एक ही मैच में दो दो तीन तीन चार चार बंदे बैन हो रहे हैं। तो तुम लोग समझ ही रहे होगे यार रैंक पुश करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया। अभी ये वाली क्लिप भी देखो, ये साइड में ही है। अभी यहाँ पे जो AKM वाला बंदा था ना जिसने मुझे इतना लो कर दिया, ये हैकर था। और अभी देखना भाई ये कैसे मारता है। अबे यार मैं किल लेके आ गया तेरा। अब ये हैकर हमें जैसे ही मारता है इसको पड़ जाता है बैन, और भाई इस बंदे का जो टीममेट था ना वो हमें यहाँ पे फिनिश डाल देता है और भाई मेरी लग जाती है माइनस। और भाई अभी तो मैं तुम्हें आगे और भी खतरनाक खतरनाक हैकर दिखाने वाला हूँ जो कि भाई पूरा सर्वर ही फ्रीज मार देते हैं। खैर अभी सामने मेरी एक स्क्वाड थी। और भाई फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ये 1v4 तुम लोगों को कैसा लगा। अभी गतका के पास जोन बना था तो मैं यहाँ पे आके गाड़ी रोक देता हूँ, तभी मुझे राइड में स्मोक दिखता है। अभी जैसे एक नॉक किया मैं सीधा बंदों पे रश कर देता हूँ। तो अपनी अगली फाइट होने वाली है स्कूल की, तो मेरे सामने बंदे थे तो मैं एक नेड बिन करता हूं। और यार हेडशॉट्स का साउंड किस किस को सेटिस्फाइंग लगता है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बचा था इनका लास्ट बंदा तो फटाफट से पहले तो हीलिंग करता हूँ और उसके बाद एक नेड पिन करता हूँ। तो भाई रोजोक में स्मोक हो रखा था तो मैं फटाफट से गाड़ी घुमाता हूँ यहाँ पे, और भाई अभी देखने यहाँ पे मेरे टीममेट के साथ क्या स्कैम होता है। ब्लू पे दिया आएगा। अब यहाँ पे एक बंदा मैंने नॉक कर दिया था, अभी बाकी के बंदे ना पागलों की तरह मेरे पे रश करते हैं।
और भाई क्या ही बचाऊं यार यहाँ पे मैं। अभी मैं शिवर्णी की तरफ जा रहा था तभी मुझे लेफ्ट से एक गाड़ी स्पॉट होती है। अभी यहाँ पे मैं दो बंदे नॉक कर देता हूँ, बचा था इनका लास्ट बंदा। और भाई इनका लास्ट बंदा निकलता है भाई हाई आईक्यू प्लेयर। अभी देखना भाई ये कैसे स्कैम करता है हमारे साथ। अभी देखो मैं यहाँ पे बंदा ढूंढ रहा हूँ, बंदा मुझे दिख नहीं रहा। और देखो ये कहाँ बैठा हुआ था, ये बंदा यहाँ पे वेट कर रहा था कि हम लोग दूसरी तरफ देखे और ये हमारी गाड़ी लेके निकलने की कोशिश कर रहा था। मतलब यार खतरनाक आईक्यू लगा दे रहे हैं बंदे। अभी गाइस मैं जा रहा था रिकॉल होकर याचना की तरफ और भाई यहाँ पे ना गलती से मैं बंदों के मुंह पे घुस जाता हूँ। अभी बाकी के बंदे सामने वाले घर पे कैंप कर रहे थे तो मैं उन पे रश कर देता हूँ। और अभी इस बंदे की बातें सुनो एक बार। तेरी अब भोसड़ी के। हेलो ब्रो हेलो। मतलब यार घुस के चारों बंदे को मारा है और बंदा बोलता है कि भाई मैंने उसको हीलिंग नहीं करने दी। खैर अभी इसके बाकी एक बंदे सामने रिकॉल होकर आ जाते हैं तो फटाफट से रश कर देता हूँ। और इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। अभी गाइस अपनी अगली फाइट होने वाली है पोचिंग की। अभी सामने वाले स्क्वाड में बंदे थे तो मैं पहले तो स्मोक होल बनाता हूं ताकि बंदों पे रश कर सकूं। अब इनका लास्ट बंदा नीचे था तो मैं उस पर रश कर देता हूँ। अभी कैसे मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में बंदे थे तो मैं दब दब लेके बंदों पे रश कर देता हूँ। अब बचा था इनका लास्ट बंदा तो उस पर भी रश कर देता हूँ। अभी यहाँ पे याचने में और भी बंदे थे तो अब इनकी बारी। अभी मैं इन बंदों से फाइट ले ही रहा था पर तभी इतने में पीछे अपार्टमेंट्स में ना बंदे रिकॉल होके अपना बदला लेने के लिए आ जाते हैं। अब यहां पे बचा था इनका लास्ट बंदा और भाई इनके लास्ट बंदे के पास भी दबदब थी तो भाई यहां पे ना बहुत ही इंटेंस 1v1 फाइट होने वाली है अपनी। अब जैसे ही इन तीनों को मारता हूं यहां पे और बंदे आ जाते हैं। और इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। और भाई अभी तुम गेम के सस्ते नशे देखना भाई। मतलब सीरियसली मैंने इस बंदे को इतनी ज्यादा गोली मारी तब जाके ये बंदा मरा है। खैर अभी इसके बाकी के बंदे सामने थे। अबे ये क्या था? अभी जैसे ही इन बंदों को मारता हूँ यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाती है। अभी मेरे नीचे यहाँ पे पूरे के पूरे चार बंदे बैठे हुए हैं और भाई अभी देखना यहाँ पे क्या होता है। भाई साहब वो बंदा दरवाजे पे यहाँ पे पीक करके बैठा हुआ है और मुझे 1 HP कर देता है। अभी यहाँ पे फटाफट से फर्स्ट एड लगाता हूँ और उसके बाद नीचे बंदों पे रश कर देता हूँ। अबे इधर
मार रही होता है उसमें भी एक इधर से देखो मी इधर से भाग गया गुरु नहीं दिख रहा भाग गया भाग गया और भाई कसम से यार ये बंदे बहुत बड़े कैंपर थे। खैर अभी सामने मुझे गाड़ी दिखाई देती है तो मैं फटाफट से राइड में जाके गाड़ी रोक देता हूँ और ये बंदे यहाँ पे हमारे ऊपर रश करने आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक नेड पिन करता हूँ और भाई अब यहाँ पे हमें पहले तो लगता है कि भाई इनकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है पर भाई ऐसा नहीं था। मैंने इनके तीन बंदे मार दिए थे उनका चौथा बंदा ना पीछे से घूम के हमारे पीछे आ गया था और भाई अब तो गया। तो भाई नीचे रुजोक में बंदे कैंप कर रहे थे तो मैं बंदों पे रश कर देता हूँ। और भाई ये लोग यहाँ पे ग्रोज वगैरह लेके गंदा टीपी भी लेके बैठे हुए थे तो भी थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। अभी सामने वाले घर से एक बंदे का फुट आता है तो इस पर एक नेट पिन करता हूँ। अभी एक बंदा फटा तो अभी एक और नेट करके सीधा बंदों पे रश कर देता हूँ। अभी इनका लास्ट बंदा ऊपर चले जाता है अभी जैसे इसको नॉक किया सीधा गाड़ी लेके बंदों पे रश कर देता हूँ। अभी इन बंदों को तो मार देता हूँ पर तभी साइड वाली अपार्टमेंट्स में भी बंदों की फाइट हो जाती है तो फटाफट से मैं वेब शूटर लगा के बंदों पे रश कर देता हूँ। और भाई अभी मेरी टाइमिंग देखना कितनी परफेक्ट रहने वाली है। और भाई इसको कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग का कमाल। तो भाई मैं था अपार्टमेंट में और मैं यहाँ पे आराम से क्रेट्स लूट रहा था पर तभी एक हैकर आता है और भाई यहाँ पे हमारे गेम का सर्वर फ्रीज कर देता है। अब देखो पहले तो मैंने सुना ही था कि भाई ऐसा भी कुछ हैक आता है भाई जिसमें बंदे मतलब गेम का सर्वर ही हैक कर देते हैं मतलब और हमारा नेट वगैरह नहीं चलता। पर भाई आज मैंने चीज़ देख भी ली यहाँ पे मेरे टीममेट का सबका सेम टाइम पे यहाँ पे मतलब पूरा लाइक गेम फ्रीज हो गया एक तरह से। मतलब तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे टीममेट बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरी जगह से और मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और भाई यहाँ पे ना अचानक से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है कनेक्शन लॉस्ट की और जैसे इस पे ओके करते हैं यहाँ पे भाई हमारा गेम ख़राब हो जाता है। हम लोग यहाँ पे लॉबी में आ जाते हैं और लॉबी में आते ही यहाँ पे हमारे पास भाई कोई भी एंटर मैच अगेन का ऑप्शन नहीं आता। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ एक बार तो ऐसा हुआ था कि भाई मैं बिल्कुल प्लेन में था एंड भाई यहाँ पे भी बार बार मैच सर्वर टाइम आउट का ऑप्शन आ रहा था अपने पे। तुम लोग देख सकते हो भाई एरिंगल यहाँ पे पूरा पीछे छूट चुका है, हम लोगों का प्लेन आगे जाए जा रहा है और हम लोगों को पता नहीं था कि भाई हमारा प्लेन कहाँ जा रहा है। मतलब भाई ऑल चैट पे तो भाई बंदे बोल रहे थे कि भाई मीरा मार जा रहे हैं, लिविक जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पर भाई यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सामने जोन है और हमारा प्लेन जोन के बाहर जाए जा रहा है और हमें ये नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। और भाई ये ऊपर पता नहीं आसमान पता नहीं काला सा क्यों हो गया था, अब यहाँ पे मतलब पूरा एरेंगल के बाहर ही चले गए थे भाई हम लोग। पर यहाँ पे भाई हम लोग जैसे तैसे करके यहाँ पे ओके दबाए जा रहे थे इस पे और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्लेन वापस से जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना वहीं पे आ जाता है, पता नहीं कैसे टेलीपोर्ट होके वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग दो तीन बार ऐसे ही घूमते रहते हैं फिर अचानक से मेरा कनेक्शन लॉस्ट होता है और मैं वहाँ पे लॉबी में आ जाता हूँ वापस से। और भाई जहाँ तक कि मुझे याद है मेरी इस मैच में भाई 40-50 माइनस लगी थी और भाई इतना गुस्सा आया था ना मुझे उस टाइम पे, मतलब मन कर रहा था भाई गेम अनइंस्टॉल मार दूँ पर क्या करें भाई जैसा भी है यार प्यार करते हैं भाई इस गेम से तो खेलना पड़ता ही है भाई। खैर यार तुम लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।